गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे कैंपस टू करियर वीकली सीरीज में। आज हमारे साथ है मिस्टर ऋषभ तिवारी और ये हमारे ही इंस्टीट्यूट NRI ग्रुप से 2019 से 23 के बैच के CSE स्टूडेंट रहे हैं। वेलकम ऋषभ। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि NRI में आपका एक्सपीरियंस कैसा था और जिस कंपनी में अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर एरो सिंपल में, वहां तक पहुंचने का जो आपका प्रिपरेशन रहा है वो भी हमारे स्टूडेंट के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके, एक्चुअली मैम जब मैं आया था तब मैं इतना पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं था, पर मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, उन्होंने बताया, स्पेशली नीरज सर, उन्होंने मेरे को काफी कुछ सिखाया, जैसे एप्टीट्यूड रीजनिंग मैथमेटिक्स, जिससे मेरे लॉजिक काफी ज्यादा इम्प्रूव हुए। सो जब मैं एरो सिंपल में एग्जाम देने गया तो वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो उनको मैटर नहीं करता आपको टेक्नोलॉजी कौन कौन सी कितनी आती है, आपके लॉजिक्स कैसे हैं वो मैटर करता है। तो सर के थ्रू मैं काफी ज्यादा लॉजिक में ट्रेन हो चुका था, तो मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, वो मेरे लॉजिक से काफी इंप्रेस भी हुए और फाइनली मुझे वहां पे जॉब मिली। मैम अभी मैं वहीं पे हूं वाइजैक में। ओके, आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स या क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको कैंपस प्लेसमेंट के समय क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का उनका प्रिपरेशन होना चाहिए प्लेसमेंट के लिए? मैम प्लेसमेंट के लिए इंजीनियर्स की जो पूरी जर्नी होती है उसमें 40+ सब्जेक्ट्स होते हैं, बट जब प्लेसमेंट का टाइम आता है उसमें 40+ सब्जेक्ट्स काम नहीं आते। काम आते हैं आपके लॉजिकल स्किल, एनालिटिकल स्किल और जो आपने टेक्नोलॉजी में काम किया है वो। सो बच्चों को ये सिर्फ सब्जेक्ट के अलावा भी इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें, अपने लॉजिक्स इंप्रूव करें। दैट्स ऑल। ओके, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं और जैसा आपका कहना है कि स्टूडेंट्स का अपना टेक्निकल जो नॉलेज है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको लगता है कि टेक्निकल नॉलेज के साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे? Yes, ma'am. Soft skills बहुत ज़्यादा important है. Actually, in my case, मैं जहाँ पे रहता हूँ वाइजैक में, वहाँ पे ज़्यादातर तेलुगु स्पीकर्स हैं, वहाँ पे हिंदी ज़्यादा लोगों को आती नहीं है। Okay. So, मेरे को इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो वो मेरे लिए मस्ट हो गया। That's why I think. और साथ ही साथ जॉब में भी जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे लोग चाहते हैं कि आप टीम में भी अच्छे से काम करें, तो टीम वाला टीम वर्क होना चाहिए। प्लस कई बार ऐसी सिचुएशंस आती होंगी जॉब में जहाँ आपको प्रेशर में डिसीजन लेना होता होगा, कई बार आपको कुछ प्रोजेक्ट लीड करना होता है तो वहाँ लीडरशिप क्वालिटी शो करनी होती है और बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो सॉफ्ट स्किल के थ्रू ही सीखी जाती है। तो टेक्निकल स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी आज के टाइम पे इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप कुछ और स्पेशल मैसेज हमारे स्टूडेंट को देना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैम मैं तो यही बोलूंगा कि अपनी पर्सनैलिटी जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी इम्प्रूव कर, अपने लॉजिक्स ये सब जो भी एग्जाम में पूछे आता है वो ट्राई ऐसा करें कि आप जितनी जल्दी ना करें, जितनी बड़ी कंपनी आप ले सकें बेटर एग्जाम जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, उसकी प्रिपरेशन ज्यादा करें और स्टार्टिंग से करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन अभी बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। मैं समराइज करती हूँ ऋषभ जी ने जो कहा कि स्टूडेंट्स आपको अपने टेक्निकल नॉलेज पर बहुत अच्छी कमांड रखनी है, साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल को भी आपको कम नहीं आंकना है, अपनी अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ध्यान देना है और यदि आपका टारगेट बड़ी कंपनीज हैं तो उनकी प्रिपरेशन आपको शुरुआत से करनी होगी, लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशन है वो काफी नहीं होती है प्लेसमेंट के लिए। थैंक यू सो मच।